हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए है जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की। तो एनटीए के द्वारा स्टूडेंट्स तीन नोटिस जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है आई हैं, जो 8 जून को जो है कल इन्होंने जो है तीन नोटिस जारी किए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये तीनों जो नोटिस हैं, इन तीनों नोटिस में क्या क्या आपको अपडेट हैं, आपके लिए अपडेट्स हैं, तो वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला नोटिस है 8 जून 2023 को आया हुआ है एनटीए की तरफ से, जो फेज़ वन का है। इसमें जो है आपको फेज़ वन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है आपका वो जारी हो चुका है। हाँ जी, आपकी जो डेट शीट्स हैं, एग्ज़ाम डेट है आपकी जो, वो आपकी सब्जेक्ट वाइज जो है एनटीए ने अनाउंस कर दी है। और जो सेकंड आपका नोटिस है उसमें फेज़ टू के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया गया है। और जो आपका थर्ड नोटिस है जो आपका, उसमें आपको एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में जो है आपके लिए उसमें अपडेट की गई है। तो आपको तीनों नोटिस जो है मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पहला फेज़ वन का नोटिस है, इसमें आपके लिए जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है आपका ये अनाउंस किया गया है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले तो ये बता दिया कि ये नेट का जो एग्ज़ाम है वो किस लिए होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये आपको पता ही होगा, तभी आपने ये फॉर्म फिल किया है। उसके बाद सेकेंड इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने डेट्स के बारे में बताया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है यही है इस नोटिस में कि 13 जून से लेके 17 जून 2023 तक जो है आपके एग्जाम होंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, 13 जून से लेके 17 जून तक आपके एग्जाम होंगे। और ये जो आपका एग्जाम है ये आपका होगा सीबीटी मोड में ओनली, आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपका होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम आपका ये होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको इसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट वाइज दिखाया हुआ है कि आपका एग्जाम कब है। तो चलिए आपको सीधा मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 तारीख को जो है सबसे पहले कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम 13 जून 2023 को होगा। और शिफ्ट वन में जो है आपके दो एग्ज़ाम हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो शिफ्ट वन लिखा हुआ है। तो शिफ्ट वन में आपके दो एग्ज़ाम होंगे 13 तारीख को, कॉमर्स का और फिजिकल एजुकेशन का। टाइमिंग क्या रहेगी वो आपके एडमिट कार्ड पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद 13 तारीख को ही शिफ्ट टू में जो है दो एग्ज़ाम होंगे, कॉमर्स का होगा और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होगा। उसके बाद 14 तारीख को जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा शिफ्ट वन में, इंग्लिश का और होम साइंस का। हाँ जी, इंग्लिश और होम साइंस का आपका शिफ्ट वन में एग्जाम होगा 14 तारीख को। उसके बाद 14 तारीख को ही आपका शिफ्ट टू में एग्जाम होगा इंग्लिश और संस्कृत का। हाँ जी, तो ये आपका 14 तारीख तक का हो गया। उसके बाद आपका स्टूडेंट्स जो 15 तारीख को एग्जाम होगा वो है पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे, हाँ जी, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों का एग्जाम आपका शिफ्ट वन का एग्जाम होगा 15 तारीख को। और 15 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट टू में एग्जाम होंगे वो हो गए इन्वायरमेंटल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो एग्ज़ाम है ये 15 तारीख को होंगे शिफ्ट टू में। उसके बाद 16 तारीख को जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा शिफ्ट वन में आपका एग्ज़ाम होगा, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के एग्ज़ाम होंगे शिफ्ट वन में 16 तारीख को, 16 जून को। उसके बाद शिफ्ट टू में जो है हिस्ट्री के और लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे आपके शिफ्ट टू में। नेक्स्ट जो 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा 17 जून को जो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं शिफ्ट वन के और जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं इनका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद शिफ्ट टू में जो है 17 तारीख को हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं और साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं इन दोनों के जो एग्ज़ाम हैं वो 17 तारीख को होंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका नोटिस वन है, जो पहला नोटिस है जिसमें आपको डेट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको चलिए सेकेंड नोटिस दिखा देती हूँ मैं आपको, फेज़ टू के जो भी स्टूडेंट्स होंगे। हाँ जी,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका सेकंड जो नोटिस है वो है, ये भी 8 तारीख को ही जो है कल आया था। इसमें जो है फेज टू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है यहाँ पे बताया गया है। तो स्टार्टिंग वाली डिटेल सेम है जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो सीधा आपको डेट्स के बारे में ही बताऊंगी मैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19 तारीख को, 19 जून को जो है शिफ्ट वन में एग्ज़ाम होगा एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद शिफ्ट टू में जो है एग्ज़ाम होगा जियोग्राफी के और फिलोसफी के जो स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट जो 19 तारीख को ही आपका शिफ्ट वन में एग्ज़ाम होगा जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, रूरल इकोनॉमिक्स के हैं, कोऑपरेशन के हैं, डेमोग्राफी के हैं, डेवलपमेंट प्लानिंग के हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ के हैं, ठीक है। तो ये सब जो स्टूडेंट्स हैं इनका एग्ज़ाम भी होगा 19 तारीख को शिफ्ट वन में होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं 19 तारीख को ही इनके भी एग्ज़ाम होंगे, बंगाली, ओरिया, सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, इंडियन कल्चर, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके, इनका एग्ज़ाम भी जो है आपका होगा यहाँ पे 20 तारीख को। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो ये शिफ्ट वन का एग्ज़ाम था आपका इकोनॉमिक्स का था ये वाला, ये जो है 20 तारीख को होगा, 20 जून को शिफ्ट वन में। और ये जो एग्ज़ाम है ये होंगे सारे एग्ज़ाम, ये होंगे आपके शिफ्ट टू में जो एग्ज़ाम है, तो ये शिफ्ट टू में आपके होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद 21 तारीख को स्टूडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट वन में जो एग्ज़ाम है वो लेबर वेलफेयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो जो जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और जो मास कम्युनिकेशन के हैं, तमिल के हैं, जो विजुअल आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम होगा 21 तारीख को, 21 जून 2023 को शिफ्ट वन में जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 21 तारीख को एग्ज़ाम होंगे, हाँ जी, आप यहाँ पे देख सकते हो शिफ्ट टू में एग्ज़ाम होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, पंजाबी के हैं, तेलुगू के हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन सब के एग्ज़ाम होंगे 21 जून को ही शिफ्ट टू में। शिफ्ट टू आई थिंक आपकी इवनिंग में ही होती है, तो शिफ्ट टू में जो है आपके एग्ज़ाम ये होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स, दो नोटिस मैंने आपको बता दिए, जो दो नोटिस में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है कंप्लीट नोटिस बता दिया है। उसके बाद चलिए आते हैं अब थर्ड जो नोटिस आया था कल ही यूजीसी नेट की तरफ से। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये आपका फेज़ वन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ये नोटिस है, ठीक है, ये जो फेज़ वन के लिए नोटिस है इसमें आपको बताया गया है एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में, ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट इन्होंने बता दिया कि ये जो नोटिस है जिनका एग्ज़ाम 13 जून से लेकर 17 जून तक है उनके लिए है ये नोटिस। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप कैसे अपना जो एग्ज़ामिनेशन सिटी है वो कैसे अपनी चेक कर सकते हो, तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है, और कैप्चा फिल करके आपको सबमिट कर देना है, तो वहां पे आपकी एग्जामिनेशन सिटी जो है आपको शो हो जाएगी कि आपका एग्जाम कौन सी सिटी में होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया है यहाँ पे, हाँ जी, आप देख सकते हो यहाँ पे इस पैराग्राफ में इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो एग्जामिनेशन सिटीज़ का इन्होंने बताया है ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, इन्होंने जो भी एग्जामिनेशन सिटीज़ का बताया है अलॉटमेंट इन्होंने जो की है ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड आपका जो है बाद में आएगा। तो ये इन्होंने फ़िलहाल जो है इन्होंने एडवांस इन्फॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स को कि उनकी जो सिटी है जहाँ पर उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो वो कहाँ पर हो सकता है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है इन्होंने साफ साफ आपके लिए बोल दिया, और जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो एडमिट कार्ड है आपके फेज़ वन के वो आपके बाद में जो है इशू किए जाएंगे, अभी वो इशू नहीं किए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है आपने बता दिया, तो अब जो है आपको यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ये 13 जून से 17 जून तक जिनके एग्ज़ाम है जो मैंने अभी आपको बताया था, इन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये नोटिस है सिटीज़ के बारे में जानने का। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि आप ये अपने एग्ज़ामिनेशन सिटी को कैसे चेक करोगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको अपना जो ब्राउज़र है वो आपको अपना ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जो है आपको सर्च कर लेना है यूजीसी नेट। तो जैसे ही आप यूजीसी नेट
इंटरनेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ही वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी NTA UGC नेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो UGCnet.NTA.NIC.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके ऊपर सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो आपको सबसे ऊपर ही यहाँ पे शो हो रहा होगा UGCnet June 2023 सिटी एंटीमेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा और यहाँ पे भी जो है आपको यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसको जो है ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है वो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स नीचे की तरफ भी जो है इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे UGCnet June 2023 सिटी एनिमेशन। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो जो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे अपना टाइप कर देना है। जो आपका फॉर्म है तो उसके सबसे ऊपर ही जो है आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, तो वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, आपको डे हो गया, मंथ हो गया और ईयर हो गया। देन उसके बाद आपको ये जो कैप्चा है ये कैप्चा जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपकी जो सिटी है वो आ जाएगी कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको मैंने UGCnet के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो वैसे ही जो है मैं आपको अपडेट कर दूंगी, वीडियो मैं बना दूंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ, एंड तब तक थैंक यू सो मच।